और ये हमारे दीदी के घर पहुंच चुके हैं हम लोग बहुत तकलीफ के बाद। ओह माय गॉड। हेलो। यस माँ बड़ा बोले को हाँ धीरे देखियो यहाँ थाकी सके माँ और को हो रहा है। So hey, hi everyone, this is Vlog Baby R and you watching me here. So guys, please like and subscribe my YouTube channel. So let's go guys, एक off beat destination हम लोग जा रहे हैं गोरु बथान की तरफ। बीस्ट देखिए बीस्ट की कंडीशन। फाइनली अपना जो बीस्ट है यहाँ पे रेडी हो चुका है और बीस्ट यहाँ पे मैं आपको ट्रिप दिखा रहा हूँ और हमें देखना है कि मेरा रूम से कितना किलोमीटर पड़ता है गोरु बथान। सो लेट्स गो। आप लोग रास्ते का बहुत आनंद लीजिए और रास्ता बहुत ही खूबसूरत सा है। ये हम लोग का थोड़ा गाँव का रास्ता है, इसको पार करके हम लोग जाएंगे फिर हंसीवाला रोड होके। और यहाँ पे पार होते होते यहाँ पे हमें बहुत सारा बंदर देखने को मिल गया और एक बंदर तो मेरा गाड़ी का चक्की के आगे भी आ चुका था, तो चलो एबीएस की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें। और रास्ता का तो कुछ कहना ही नहीं है कि रास्ता इतना खूबसूरत है गाइस। आप लोगों को ऐसा और भी खूबसूरत सा वीडियो चाहिए और इन्जॉयमेंट का वीडियो चाहिए तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप रोड का कंडीशन देख सकते हो, रोड बहुत ही खूबसूरत सा है। ये है हो गया आपका हसीमारा रोड और हसीमारा रोड को क्रॉस करते हैं हम लोग जाएंगे जल्दापरा को। जल्दापरा को भी पार करके जाना पड़ेगा और जल्दापरा के आसपास पास पहुँचते ही आपको मैं आपको गेट दिखा दूंगा। और यहाँ से देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा जल्दापरा का पार्क, मतलब ये जो जल्दापरा नेशनल पार्क है ये हम लोग क्रॉस करके चले गए। और इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग बहुत सारा जगह पार करने के बाद जो है हम लोग पहुँचेंगे फाइनली जहाँ पे पहुँचेंगे वो हो गया आपका डामडीम। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना बाइक का पेट्रोल का फ्यूल अप करवा लिया और यहाँ पे जो भी कार्य था हमने कर लिया, शॉर्ट हो लॉन्ग हो कुछ भी हो। और मौसम बहुत ही सुहाना सा है, राइड का मज़ा लीजिए। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी गोरु बथान का एक बहुत ही अच्छा सा एक ऑफ पीक डेस्टिनेशन और हम लोग ये डामडीम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से हम लोग राइट पे मुड़ेंगे और राइट पे मुड़ने के बाद हमें बहुत सारा गाड़ी यहाँ पर ट्रैफिक का सामना करना पड़ा और हमें यहाँ पर एक मिनट जैसे रुकना भी पड़ा था। और मतलब क्या है, यहाँ का रोड तो अच्छा है और यहाँ का जो बड़े बड़े गाड़ी सब ये बहुत ही तेज़ चला रहे थे, तो मैं थोड़ा डरा सहमा सा बंदा और तो थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी के पीछे बस के पीछे लगा के धीरे धीरे चला रहा था। और एक बात गाइस, अगर आप लोग अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए आ रहे हो तो प्लीज़ इस जगह पे आइए। ये हो गया आपका डालिम खोला बोलते हैं इसको, डालिम खोला नहीं सॉरी डालिम तार है, डालिम तार के नीचे फिर डालिम खोला जाना पड़ता है। और ये रोड देख सकते हो गाइस, हम गोरु बथान से जैसे ही डामडीम से 11 से 12 किलोमीटर आने के बाद गोरु बथान को जैसे क्रॉस करते हैं हम लोग, तो वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर आने के बाद हमें राइट पे मुड़ना पड़ता है। और राइट पे मुड़ने के बाद रोड बहुत ही स्टीफ हो जाता है और रोड कंडीशन अच्छा है लेकिन रोड बहुत स्टीफ है। आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान के साथ बाइक चलाइए अगर आना है आपको तो यहाँ पर। और ये हो गया ये जो डालिम तार है ये एकदम टॉप ऑफ द हिल है, मतलब एकदम पहाड़ के एकदम ऊपर है ये। और बाइक का क्या ही कहना, बाइक एक नंबर के नीचे तो खींच ही नहीं पा रहा है, हर टाइम एक ही नंबर में मेरे को खींचना पड़ रहा था यहाँ पे। आप देख सकते हो कि हम लोग पहाड़ के कितने ऊपर पहुंच चुके हैं अपने बाइक को लेके, अपने बीस्ट को लेके।
और गाइस ये वीडियो का दो पार्ट बनेगा, एक तो हम राइडिंग का मजा लेंगे और दूसरे वीडियो पे हम इस लोकेलिटी एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर रहना है कैसा है, खाना कैसा है, आसपास में क्या है। आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है यहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग सा बात, इतना टाइम बाइक चलाने के बाद हमें इतने देर के बाद एक गाड़ी और एक कुत्ते का दर्शन हुआ था और इस रोड पे एक इंसान का दर्शन नहीं हुआ हमें। शायद यहाँ के लोग थोड़ा बिजी है और थोड़ा ऑफबीट है जगह, मतलब एंजॉय करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है ये। और हमें यहाँ से घुसना था तो हमें इसको क्रॉस करके फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे उतरना पड़ा हम लोगों को। और ये हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। फाइनली अभी जो है हम लोग गरुवाथन का एक ऑफबीट डेस्टिनेशन पे है, इसका नाम है डालिमखोला। और क्या बोलते हैं, अभी जो है हम लोग ऑफबीट डेस्टिनेशन जो मतलब जहाँ पर जाने का है वहाँ पर अभी हम पैदल जा रहे हैं। और ये और मेरा ये जो राइड है फर्स्ट टाइम मेरा मैडम के साथ है। गाइस यार खेत खेत चल के जा रहे हैं, देख सकते हो। और ये है यहाँ का व्यू, और ये है यहाँ का व्यू, क्या ही कहना। और ये जो देख रहे हो ना गाइस, ये है आपका जो फुल झाड़ू कहते हो आप लोग, जो पक्के के घर पे जो झाड़ू यूज़ करते हो वही वाला झाड़ू का पेड़ है। और ये रहा व्यू, स्नो कवर्ड माउंटेन तो नहीं है लेकिन क्या कह सकते हो आप, बादल कवर्ड माउंटेन। गाइस यार ऑफ बीट डेस्टिनेशन तो ऐसा है कि रास्ता इतना फिसलन भरा है कि कभी भी गिर सकता हूँ मैं, और ऑफ बीट के चक्कर में पता नहीं कहाँ आ गया। ओह माय गॉड, दिस रोड इट विल किल मी।